बागेश्वर बाबा के नाम से छतरपुर जिला हमेशा से चर्चा में रहा है। इस बार छतरपुर से धर्म परिवर्तन करने वाला मामला सामने आया। दरअसल छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में ग्राम पाटन में धर्म परिवर्तन करने का एक बड़ा खेल चल रहा था, जहां छतरपुर की एक महिला और दिल्ली से आए तीन लोग 20 से 25 दिनों से लगातार लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते चले आ रहे थे। शनिवार को ये मामला जैसे ही सुर्खियों में आया तो वहां हिंदू धर्म के लोग पहुंचकर ईसाई बनाने का भांडा फोड़ दिया। सत्येंद्र द्विवेदी हिंदू इस पूरे मामले का विरोध करते हुए थाने में आवेदन करवाए और चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। थाने में शिकायत की गई कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं और हम और हमारे राजनगर तहसील अंतर्गत ग्राम पाटन में लगभग एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा है और सुना भी है। इसमें ग्राम पाटन निवासी लखन कुशवाहा के घर कई लोग उपस्थित थे और उनको यीशु मसीह की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था और उन्हें लोभित भी किया जा रहा था कि अगर आप लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो आर्थिक मदद के साथ आपके बच्चे दिल्ली के क्रिश्चियन स्कूल में फ्री में पढ़ाई करेंगे और आप लोगों को नौकरी भी दी जाएगी। आप लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आप लोगों की भी बीमारी ठीक हो जाएगी और आप एक बार यीशु प्रभु की प्रार्थना करें तो आप और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। छतरपुर निवासी कल्पना सोनी के द्वारा धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा था। कल्पना सोनी अपने तीन साथियों के साथ ये पूरा खेल चला रही थी। दिल्ली से आए यशपाल सिंह, धर्मपाल सिंह, उपा पाल सिंह चारों लोग मिलकर धर्म परिवर्तन का काम किया करते थे। यहाँ आज इनका भांडा फूट गया। चारों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक वृद्ध महिला ने बताया कि हमारी बहू लगभग कई सालों से भूत प्रेत की चक्कर में परेशान थी, जिनको सोनी मैडम ने आकर यीशु मसीह का पड़ा हुआ मंत्र पानी पिलाया और वो आज ठीक हो गई। इसीलिए हम यीशु मसीह को मानने लगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि शाम को एक बार सब परिवार के साथ बैठकर यीशु मसीह का प्रार्थना करें और तो आपके जानवर, खेत की फसलें और आपका परिवार सभी सुखी रहेगा। मौके पर पहुंचकर बमीठा पुलिस के द्वारा मामले को शांत करवाया गया और थाने में सभी की शिकायत कर चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अरे